नैब ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करने वाले बेंच पर एतराज उठा दिया। जस्टिस अली बाकर नचवी की सरबराही में बेंच ने पहले समाअत की, इसी बेंच से समाअत करवाई जाए। नैब की इस्तदा, नैब की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान आज समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में बेंच समाअत कर रहा है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में गैर कानूनी भर्तियों का मामला, एहतसाब अदालत में केस पर समाअत आज होगी। आसिफ हाशमी पेश होंगे। अदालत आसिफ हाशमी पर फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। वजीर आला पंजाब के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। काफ लीग की हुकूमत को यकीन दहानी। मुशीर वजीर आजम नईम उल हक कहते हैं तहरीक इंसाफ और काफ लीग में कोई इख्तलाफ नहीं, अफवाहें दम तोड़ गईं। इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत होगा, हलीफ बनकर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन के तजर्बे से फायदा उठाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि इमरान खान मुल्क की अहम जरूरत हैं, हमने इकट्ठे चलने का अहद किया है, इकट्ठे चलेंगे। नैब के खिलाफ कारोबारी अफराद की शिकायत मिल रही हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो 30 रोज में फैसला करने का मजाज होगा। इंसाफ की फराहमी में ताखिर कौम के मफाद में नहीं, दूसरी जमातों से मिलकर नैब में इस्लाहात पर तैयार हैं। कायमा कमेटियों के लिए शहबाज को सरबरा पीएसी बनाना पड़ा। मुशीर वजीर आजम नईम उल हक की मीडिया से गुफ्तगु। ऑल पाकिस्तान हज फोरम एसोसिएशन सस्ता हज पैकेज ले आई। हकूमती पैकेज से 61,000 कम लेने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन 3,75,000 में हज कराएगी, जबकि हकूमत 4,36,000 रुपये मौसूल कर रही है। हकूमत की हज पॉलिसी खास तबके को नवाजने के लिए बनाई गई। हज फोरम एसोसिएशन के सदर आदिल बट की गुफ्तगु। सेहत के नाम पर खजाने को करोड़ों का टीका। शहबाज हुकूमत का एक और मेगा स्कैंडल बेनकाब। मां बच्चा सेहत प्रोग्राम में 110 करोड़ रुपए के खर्च पर का इंकशाफ। अद्वियात की फरहमी के लिए टीसीएस को गैर कानूनी ठेका दिया गया। अहम दस्तावेजात लाहौर न्यूज सामने ले आया। कहाँ जाएं, इलाज कहाँ से करवाएं। शेख जैद अस्पताल की लिथोट्रिस्पी मशीन खराब। गुर्दों में पथरी के मरीजों को कोई पुरसान हाल नहीं। लवाहिकीन अपने प्यारों को महंगी लेबॉरटरीज और क्लिनिक्स ले जाने पर मजबूर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जिला इंतजामिया इन एक्शन। लीज वाले 24 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। पेट्रोल पंप मालिकान को पेट्रोल पंप्स पर लगी अपनी मनकूला अशिया उतारने की हिदायत। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल बंद होने की तहरीर के बैनर्स आवेशा कर दिए गए। सील पेट्रोल पंप्स की 15 अप्रैल को नीलामी करवाई जाएगी। डीसी लाहौर। शहर में डाकू राज बरकरार। जामोसा के इलाके महबूब पार्क में डकैती की वारदात। दो डाकू शहरी से मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हो गए। वाकये की फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूम।